नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिजेंटा कंपनी की लकी कॉलीफ्लावर वैरायटी के बारे में। साथियों, लकी वैरायटी एक अधिक पैदावार देने वाली हाइब्रिड वैरायटी है। इसकी परिपक्वता की बात करें तो साथियों, यह वैरायटी लगभग 75 से 85 दिन में इसमें फूल तोड़ा योग्य हो जाते हैं। साथियों, इसकी कर्ड की बात करें तो इसका कर्ड का वजन लगभग 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक देख सकते हैं। साथियों, सिजेंटा की लकी वैरायटी का कर्ड सफ़ेद और कसा हुआ होता है और आकर्षक होता है। साथियों, सिजेंटा की लकी वैरायटी को हम ठंडे मौसम में और गर्मी के मौसम में अच्छी तरह से उगा सकते हैं। बात करें इसकी आवश्यक जलवायु की तो साथियों, सिजेंटा की लकी वैरायटी के लिए बीजों के अंकुरण के लिए लगभग 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, वहीं पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना गया है। बात करें मिट्टी की तो साथियों, वैसे तो हम फूल गोभी की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट खाद मिला हो अच्छी मानी गई हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। साथियों, फूल गोभी से अधिक पैदावार लेने के लिए खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से कर मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लेवे। अब साथियों, बात करें बीज दर की तो आप 100 से 120 ग्राम बीज प्रति एकड़ काम में ले सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग की तो साथियों, लकी वैरायटी को लगभग 25 से 30 दिन बाद इसके पौधे रोपाई योग्य हो जाते हैं, तो आप 25 से 30 दिन बाद इसके पौधों को ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। साथियों, अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की तो फूल गोभी के पौध रोपाई के लगभग 6 से 8 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग के 6 से 8 दिन बाद 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से देवें। उसके बाद साथियों, सेकेंड डोज जब हम फर्स्ट डोज के लगभग 20 से 25 दिन बाद 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से देवे। साथ ही इसी के साथ आप 5 किलोग्राम बोरोन और 3 किलोग्राम मोलिब्डेनम इसी के साथ दे सकते हैं। तो साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।